हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी में। आज जो करंट अफेयर हैं, जो इस मंथ के नेक्स्ट वीक की हैं, 2 वीक की हैं, जो करंट अफेयर पहले प्रोवाइड कर दी थी, और उससे अगले वाले वीक की ये करंट अफेयर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व बौद्ध फोरम 2018 का 5वां संस्करण हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया था? भारत, नेपाल, श्रीलंका या चीन? ये जो 5वां संस्करण था वो किया गया था डी चीन में। 25वें समुद्री अभ्यास, जिसका नाम सिम्बेक्स 18 है, भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ए सऊदी अरब, बी सेशल्स, सी श्रीलंका या डी सिंगापुर। तो ये अभ्यास है, जो दूसरा देश है जो सिंगापुर है, भारत और सिंगापुर के बीच जो समुद्री अभ्यास है, इसका नाम सिम्बेक्स 18 है, वो शुरू हुआ है। राइट आंसर है जो डी। भारत किस देश के सहयोग से विकलांग लोगों के लिए युवा आईटी चुनौती 2018 की मेजबानी कर रहा है? ए दक्षिण कोरिया, बी स्पेन, सी जापान या डी फ्रांस। वो देश है दक्षिण कोरिया। राइट आंसर है जो ए। पहली बार समाधान केंद्रित कार्यक्रम ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए ब्राजील, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका या डी यूनाइटेड किंगडम। इसका जो राइट आंसर है वो है बी भारत। भारत देश है जिसमें जो आयोजित किया जाएगा ग्लोबल कूलिंग इनोवेशन शिखर सम्मेलन। राइट आंसर बी। किस समाचार एजेंसी ने हाल ही में दुनिया की पहली AI न्यूज़ एंकर लॉन्च की है? ए जुनहाप, बी क्यूडो समाचार, सी सिन्हुआ या डी लंका पोपत। इसका करेक्ट आंसर सी है, सिन्हुआ है जो समाचार एजेंसी है जो इसने हाल दुनिया में पहली अपनी न्यूज़ एंकर लॉन्च की है, इसका नाम सिन्हुआ है। राइट आंसर है जो सी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सरकार की बिक्री को मंजूरी दे दी है। DCIAL में निम्नलिखित बंदरगाहों के संघ के लिए भारत की एक्टिविटी क्या है? इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी हैं जे। प्रदीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी। भारत के प्रतिस्पर्ध आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं CCI के, GP मित्तल, जूसी नाहता, अशोक कुमार गुप्ता या सिमता जिंगरन। CIO के नए अध्यक्ष वो हैं सी अशोक कुमार गुप्ता, जो नए हैं अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं CCI के। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय व्यक्ति ने हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ दी लीजियन ऑफ ऑनर के साथ दिया है? कैलाश त्यागी, अमर्त्य सेन, जवाहरलाल सरिन या सुमित्र चटर्जी। ए बी सी या डी। इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, जवाहरलाल सरिन। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस NCAD हाल ही में भारत में मनाया गया था? ए 7 नवंबर, बी 9 नवंबर, सी 10 नवंबर या डी 11 नवंबर। जी मनाया गया है 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने 500 किलोग्राम क्षमता वाले पोर्टेबल सौर संचालित ठंडे भंडारण उपकरण का विकास किया है? IIT इंदौर, IIT बॉम्बे या IIT कानपुर या IIT मद्रास। ये किया है, सही आंसर है जो डी है, IIT मद्रास। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ कहाँ स्थित है? ITU, यह है जिनेवा में। भारतीय निशानेबाजों में से किसने कुवैत में 8वीं एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वो जीता है अंगद वीर सिंह बाजवा ने। आरबीआई की हालिया अधिसूचना के मुताबिक आधारभूत संरचना में ईसीबी के लिए न्यूनतम औसत परिपक्वता आवश्यकता कितने वर्ष कर दिया गया है वो है 3 वर्ष। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आंध्र प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ है उसके साथ सीमा साझा है जो नहीं करता है। विधानसभा चुनावों में से कहाँ संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, वो किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस समुदाय के लिए विकास बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया, वह नमसुधर और मथुआ। कौन से विश्व संगठन ने दिवाली के पर्व पर दिया चित्रित टिकटों को जारी किया, वह संयुक्त राष्ट्र ने। कौन सा देश दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU परिषद का सदस्य चुना गया है, वो है भारत। आपराधिक मामलों पर कानूनी सहयोग के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है, वो है मोरक्को को। किस देश ने महाधिवक्ता जेफ सेशंस ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो है अमेरिका के। कौन से दो तोप को भारतीय सेना ने बेड़े में शामिल किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है, वो है 777 होवी तेजर तोप और K9 ब्रज, ये दो तोपों के नाम है जिन्हें भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया है भारत ने। नासा 2021 में लूसी मिशन भेजेगा, जो ग्रहों में से किसके ट्रोजन लघु ग्रह का अध्ययन करेगा, वह बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में माना जाता है, वह शुक्र ग्रह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस ग्रह के लिए अपने दूसरे इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, वो किए हैं शुक्र, शुक्र ग्रह के लिए। किस तारीख को पश्चिम बंगाल सरकार ने रसगुल्ला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, वह 14 नवंबर को। 8 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा निम्नलिखित में से किस रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भरने की मंजूरी दी है, वह पादूर को। किस राज्य में भारत का पहला केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, वह मध्य प्रदेश। किस राज्य में भारत का तीसरा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, वो किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। 8 नवंबर को भारतीय सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से किसमें 100% हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है, वो है डेरजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत हाल ही में उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम का सदस्य बना है, AMFTCP किस संगठन के ढांचे के तहत काम करता है, वो करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के। सो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी इस मंथ के, नेक्स्ट जो वीक की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रीड कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो एग्जाम से पहले एक बार, इन वीडियो को इस चैनल पे सभी वीडियो को जरूर है जो आप वॉच कीजिएगा, आपको इसका बहुत बहुत बेनिफिट होगा जो। धन्यवाद।